अस्सलाम वालेकुम मामा जकरिया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं एक डिनर पार्टी में। हम लोग ने किसको दिया है डिनर की दावत दी है? हमारी खाला की लड़की की शादी हुई थी, कज़िन्स की शादी हुई थी भाई बहन की, तो उन लोगों को हम लोग ने बुलाया है आज डिनर पर। ये जोगेश्वरी में एक होटल है वहाँ पर, सो लेट्स सी ये होटल कैसा है, कैसा खाना है यहाँ का। इंशाल्लाह आई विल गिव यू रिव्यू। सी यू इन नेक्स्ट शॉट। ये वो होटल है अयामना, जिस जोगेश्वरी वेस्ट में, जहाँ पे हमने ये डिनर की दावत अपने कज़िन्स को दी थी। रिसेंटली शादी हुई है इनकी, कुछ 4-5 महीना हो गया है, तो हमने घर पे दावत देना था पर घर पे अरेंज कर नहीं पाए, तो इस वजह से ये दो कपल हैं, बहन भाई। एक बहन की शादी हुई है सूरत में और भाई जो हैं शकील, उनकी शादी हुई है मुंबई में, तो इन दोनों को दावत डिनर के हमने इस होटल में दिया है। ये गुलफशा और उनके हस्बैंड इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। Did you guys like the flower? The family is complete. हमने डिनर की दावत इन लोगों को संडे को दी थी, अक्टूबर 15th। काफ़ी रश थी इस होटल में, मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग थी, तो हम लोगों को कुछ 30 मिनट्स वेट करना पड़ा, जिसमें मुझे नीचे का जो डिपार्टमेंट था इस होटल का वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन हमें जाना था दस्तरखान डिपार्टमेंट में जो कि ऊपर था। उसके लिए हम लोगों ने कुछ 15-20 मिनट और वेट किया, तो ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद हमें ये डिनर जो प्लान किया था हमने वो कम्प्लीट हुआ हमारा। और ये हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन किया है। फ़ोटोज़ वगैरह निकालने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये जगह जो दी है इस होटल ने, काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने। हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाले, वीडियो बनाए, क्योंकि बहन अब ससुराल की हो गई तो हम ज़्यादा वक्त इसके साथ बिताने के लिए मिलेगा नहीं, इसकी वजह से हमने ये ब्यूटीफुल मोमेंट है वो कैप्चर कर लिया और सेव कर लिया है फ्यूचर के लिए। बहुत सारी वेटिंग थी, हम लोग का नंबर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद आया है, अब हम लोग जा रहे हैं। 30 मिनट की वेटिंग के बाद जब हम अंदर गए तो नीचे का डिपार्टमेंट मुझे काफ़ी कंजस्टेड लगा, हो सकता है संडे की वजह से भीड़ काफ़ी थी। खूबसूरत है एरिया यहाँ का भी, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बैठे। हमने मेरे शौहर ने रेकमेंड किया था कि हम दस्तरखान के लिए ऊपर जाएं, तो उसके लिए 15-20 मिनट वेटिंग और थी, तो हमने वेट किया और ऊपर ही जाकर हमने अपना डिनर पूरा किया, क्योंकि दस्तरखान एरिया काफ़ी खूबसूरत है।
थोड़ा इतनी अच्छी है कि वेट करना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे जाके अंदर फूड कैसा है, जितना वेट है उतना मजा आता है। रेस्टोरेंट अच्छा तभी है जब उसका फूड अच्छा है, तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये होटल है कैसा। तो इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू देंगे, अकॉर्डिंगली यू कैन कम। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट लाइक सब्सक्राइब। पापा यार दस्तखान मजा आएगी, हजरत बोल रहे थे ऐसे ना पूरा जमीन पे बैठ के मजा दिखाने। बहनें जब ससुराल की हो जाती हैं तो मायके से मोहब्बत बढ़ जाती है। ये कुछ वक्त वो अपने नेफी के साथ गुजार रही है। मोहम्मद ज़करिया बहुत दिन के बाद मिले थे। जब मैं जब ये डिलीवरी हुई थी मेरी, तभी इसकी शादी थी, तो मैं इसकी शादी को अटेंड नहीं कर पाई। और ये हम अभी जा रहे हैं ऊपर जो दस्तरखान मैंने बताया वहाँ पर। होटल में ना दस्तरखान का ऑप्शन ऊपर है जहाँ पे नीचे बैठ के खाते हैं, तो मैं हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और लेट्स सी, नीचे का भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। लेट्स सी ऊपर का कैसा है। दस्तरखान कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है नीचे बैठ के खाने फैमिली के साथ में। चप्पल उतारो, उसके बाद यहाँ से एंट्री। दस्तरखान कॉन्सेप्ट अच्छा है ना। ये वो जगह है जो बड़ी फैमिली के लिए होती है। हम लोगों को थोड़ी छोटी जगह दिए थे क्योंकि वी वर लेस 6 पीपल। जैसे मुगल के दौर में सब बैठ के पर्शियन काइंड ऑफ थिंग है ना। इनका वॉशरूम भी अच्छा है, अच्छा क्लीन बनाया। ये कौन सा प्लेटर है? मुर्ग प्लेटर राइट, स्पेशल मुर्ग प्लेटर। स्पेशल मुर्ग प्लेटर। और उसमें जो स्टार्टर्स का नाम बता दीजिए ना, फर्स्ट स्टार्टर क्या है? मुर्गन दालिया टिक्का है, मलाई टिक्का है, तुर्किश बोटी है, तुर्किश बोटी, मलाई टिक्का, वो येलो वाला क्या बताया आपने? अंतालिया टिक्का। अंतालिया टिक्का। और ये शंघाई चिकन, चिकन शंघाई, चिकन शंघाई, चाइनीज का है, चाइना का डिश है वो। हाँ, चाइनीज, चाइनीज। और टर्किश राइस है ना, वो राइस क्या है? कब्सा राइस। कब्सा, ओके। कितने टर्किश बोल रहे थे? अरे वाह, बेल भी है वेटर्स बुलाने के लिए। नाइस वन। स्टार्टर के लिए सुनो भाई, चटनी अलग अलग दी है भाई। We love the platter. Wonderful it is. More platter. Yeah, so sorry, starters are very delicious, but this one, the yellow one, I like more. मटन सब कुछ चलेगा ना? एंड द ड्रिंक इज, नाम क्या ड्रिंक का? फ्रूट शैम्पेन, बहुत टेस्टी ड्रिंक था। पहले जरा उसको अच्छा लगा। बस नहीं नहीं हो गया, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा जूस है, बहुत जबरदस्त। ग्रेवी क्या नाम, ग्रेवी क्या मंगाया हम लोग ने मेन कोर्स के लिए? मटन फिरदौसी। मटन फिरदौसी, ये है बटर नान, एंड देन कब्सा।
खाली राइस और रोटी पास में ला ले। भाई आप कोई हिम्मत, डेजर्ट में हम लोग खा रहे हैं गुलाब जामुन। ले गुलाब जामुन ले आया है। तो जूस करा मैं ऐसे जूस खट्टा मीठा। ये इनका है फिंगर बोल। ये कब? हमारी फिंगर बोल काफी पसंद आया मुझे, बहुत ही यूनिक स्टाइल था। हेलो Are you enjoying the trip? मोहम्मद ज़करिया, Are you enjoying the trip? गुलफ़्शा के शोहर इरफान भाई फोटोज बहुत अच्छे निकालते हैं, तो ये हम लोग कुछ पोज देते हुए उनके कैमरे के लिए और कुछ फोटोज। थैंक यू खालू। देयर इज समथिंग। अरे तो इसमें लिखा है गुलफ़्शा ने मैसेज जो लिखा है इरफान फ्रॉम इरफान एंड गुलफ़्शा ज़करिया मे अल्लाह ब्लेस ज़करिया ज़कू वाओ ब्लेस ज़करिया थैंक यू। काफी देर हो गई थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने इस वीडियो को एंड नहीं किया। फोटोग्राफी की कुछ कसर बाकी रह गई थी, तो इरफान भाई ज़करिया के साथ कुछ अच्छे वक्त चेरिश करते हुए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी न्यू वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।